भाई क्या आपने कल का मैच देखा? अगर नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। हमारे भारतीय टीम ने कल जो ऑस्ट्रेलिया टीम की बैंड बजाई है ना, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ अपना पुराना हिसाब किताब पूरी तरीके से बारात निकाल कर पूरा किया हो। इतना बैंड किसी शादी में नहीं बसता जितना बैंड कल इंदौर के मैदान पर हमें बसते हुए दिखाई दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हो क्रिको विद ऋषि। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले में हमारे भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के पीछे ऐसी नहा धोकर पड़ी थी ना, तो चलिए दोस्तों आखिरकार कैसे हमारे भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को धोया है इसकी थोड़ी हाईलाइट आपको बता देते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज आपको क्रिकेट के रिलेटेड ऐसी शानदार वीडियो को हर रोज देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों फिर से मुद्दे पर आते हैं। कल कुछ ऐसा हुआ कि यह मैच इंदौर के मैदान पर खेला गया, जिसे सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए हमारे भारतीय टीम का पहला विकेट बहुत ही जल्दी ऑस्ट्रेलिया टीम को मिला और इस विकेट का जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम मना पाती उससे पहले श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने जो धुलाई करना शुरू कर दी ना, इससे देख ऐसा लगा कि उनका कोई जवाब ही नहीं। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने शतक भी पूरे कर ले। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार तरीके से शतक पूरा करके यह सबको बता दिया कि वे नंबर चार पर अभी भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के आउट होने के बाद केएल राहुल और सूर्य भाव ने जो पेला है ना, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सूर्य भाव ने ऑस्ट्रेलिया टीम को सीधा पीले से लाल कर दिया हो। सूर्य कुमार यादव ने कैमरन ग्रीन के एक ही ओवर में लगातार चार गेंदों पर चार छक्के जड़कर मात्र 24 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी की बदौलत, यानी कि दोस्तों सूर्य कुमार यादव की 36 गेंदों पर 72 रनों की पारी की बदौलत हमारे भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 399 रनों का पहाड़ समान स्कोर खड़ा किया और यह स्कोर टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। लेकिन दोस्तों सामने जब ऑस्ट्रेलिया टीम जैसी महान टीम हो ना, तो 400 रन का स्कोर भी हमें छोटा लगने लगता है। लेकिन दोस्तों शुरुआती ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया टीम के दो विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा मुश्किलें तब बड़ी जब बारिश आ गई। बारिश के कारण मैच के ओवर घटा दिए और ऑस्ट्रेलिया टीम को 33 ओवर में 317 रनों का पहाड़ समान स्कोर मिला, यानी कि देखा जाए तो लगभग 10 का रन रेट। और हमारे भारतीय टीम के गेंदबाज हर एक ओवर में 10 रन देंगे, ऐसे तो कमजोर हमारे भारतीय टीम के गेंदबाज तो नहीं है। जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन ने हमारे भारतीय टीम की तरफ से 3 विकेट लिए, वही सर जडेजा ने भी 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम की पूरी तरीके से सुजा डाली और हमारे भारतीय टीम ने यह मुकाबला 99 रनों से बड़ी आसानी के साथ जीता। तो दोस्तों आप भी हमारे भारतीय टीम के शानदार जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।